ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਲੌਗ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਵਾਈਲਡ ਬੀਅਰ ਗਿਲਸ ਬਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कृष्णा ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा ब्लॉग रहने वाला है वो है देवी पिंडी। तो दोस्तों आज आप सभी को मैं लेके जाऊंगा देवी पिंडी। अगर देवी पिंडी की बात की जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, जो कि जम्मू से 40 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज हम जा रहे हैं रियासी देवी पिंडी का दर्शन करने। तो ऐसा माना जाता है कि जो देवी पिंडी है वो वैष्णो माता का ही रूप है। तो आज संडे है तो हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं माता के दर्शन करने और साथ ही आपको भी लेके जाएंगे। तो आप सामने देख सकते हो जो पर्वत है वो है त्रिकुटा पर्वत। तो इसी पर्वत पर वैष्णो देवी जी का दरबार है और देवी पिंडी जी का भी यही दरबार है। तो आज का भी जो मेरा प्लान था वो तो अनप्लान था, तो मुझे नहीं पता कि आज यहाँ जाने वाले, लेकिन मेरे फ्रेंड ने सुबह जब कॉल किया था कि यहाँ पर जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बना लिया जाए, ताकि आप लोगों को भी पूरा ट्रिप मैं दिखा सकूं कि कैसे हमारी ट्रिप रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ है। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो धूप। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवी पिंडी। तो ये सामने आपको जो पर्वत नज़र आ रहे हैं ये है त्रिकुटा पर्वत। तो आज हम आए हैं देवी पिंडी। ये देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो हमारी गाड़ी जो है ये आज हम किसमें आए हैं, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में आए हुए हैं, सुबह से निकले थे लेकिन हम लेट हो गए थे। रास्ते में फास्ट टैग वगैरह लगाना था गाड़ी में, उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए। तो ये आप सारा नज़ारा देख सकते हो देवी पिंडी के। तो देवी पिंडी को भी माता वैष्णो का ही रूप कहा जाता है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी होगी, मेरा जो माइक था वो हो चुका है डेड। तो उसके बावजूद भी मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अब निकल पड़े हम देवी पिंडी की ओर। तो ये है एक छोटी सी शॉप, तो यहाँ आके आप कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मैगी सारा कुछ खा सकते हो। तो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ यहाँ का। तो ये देख सकते हो यहाँ का रेस्टोरेंट। तो ये है जी देवी पिंडी का ट्रैक, ये देख सकते हो। इसी रास्ते से हमें आगे जाने हैं, आगे 2.5 किलोमीटर और जाना है। ये देखिए सारा अपना ग्रुप है, इनमें से कुछ लोगों को छोड़ के। तो थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि रास्ता बड़ा ही खराब है। इधर से ये थोड़ी शॉर्टकट कर लो, थोड़ी लाइफ में थोड़ा मतलब डेयरिंग भी होनी चाहिए। चलो भाई ये है सारी ट्रैकिंग पिंडी देवी का। भाई इन दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, भक्त लोग हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने पहाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये काम। ये देखिए ये सारा अपना ग्रुप है, हर संडे को मेरा ग्रुप हो जाता है चेंज, क्योंकि सर्कल ही बहुत बड़ा है। भाई इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ली है लेकिन पिलाना का भी मेरे को समझ नहीं आ रही है। इन लोगों ने पता नहीं कौन सी मन्नत मांगी हुई है कि वो पूरी होगी तो ये कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। प्यास लग चुकी मुझे लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं खोल रही है, पता नहीं। ये देखो वो लड़की कैसे रिस्क ले रही है जिंदगी के साथ। तो यही वो ट्रैक है जिस ट्रैक से हमको माता पिंडी की ओर जाना है। ये थोड़ा सा खतरा सा जरूर है लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन हमको संभल के चलना पड़ेगा। अगर संभल के नहीं चलोगे सीधे ऊपर ही पहुँच दरबार में पहुँच गया, सीधे जन्नत पहुँच गया। और मैं मेरे को और ये सारे कृष्णा ब्लॉग ना इस वेले बनी थे मैन वर्सेस वाइल्ड बियर गिल्स बनी रहे ना ये। ओह माय गॉड, एकदम फ्रेश करने वाला ये पानी। क्या से मैंने धो दिया मुंह, अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, थक गया था मैं पहली बार ऐसी चढ़ाई। दोस्तों तो ये है देवी पिंडी का ट्रैक,
तो अभी हमको 2 किलोमीटर और चलना है क्योंकि आधा किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कर लिया कवर। तो साथ साथ में आप देख सकते हो किस तरह पानी बह रहा है। तो यहाँ का मौसम बहुत ही औसम है, तो ठंड भी ठीक ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क हो, थोड़ा आपको गर्मी लगेगी बस इतना है। तो आप जैसे देवपिंडी जाओगे तो रास्ते में आपको छोटे छोटे शॉप नजर आएंगे। ये देखिए रास्ता, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बच के चलना पड़ेगा। ये देखिए पूरा ग्रुप आगे जा रहा है और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ उनको शूट करते हुए। ये देखिए चलो चलो एक छोटा सा पुल क्रॉस। दोस्तों मौसम थोड़ा सा यहाँ पर बदलने लगा है, बादल छा चुके हैं, आप देख सकते हो पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा नज़र आ रहा है। तो ये कारण है कि मौसम यहाँ पर बदल चुका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावनाएं हैं। ये देखिए खूबसूरती देखिए आप, तो यहाँ की सबसे जो कठिन चढ़ाई है वो ये है। ये देखिए खड़ी चढ़ाई है और इन्होंने कब से कोल्ड ड्रिंक ला के रखी है, बोलते हैं अच्छी जगह में जाके पीते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह नीचे छूट गई है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक नहीं निकाल रहे हैं। मार कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। तो गाइस अभी हमारा रिफ्रेशमेंट का टाइम है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यात्रा कर ली है। गाइस फाइनली वेट इज़ ओवर, तो हम पहुंच चुके हैं देवी पिंडी और ये सामने आपको जो टेंपल नज़र आ रहा है। पहुंच चुके हैं हम शॉप पर जहाँ से यहाँ से प्रसाद वगैरह लेने हैं, तो यहीं पर हमको अपने शूज़ वगैरह रिमूव करना पड़ेगा। और ये सारे हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है देवी पिंडी का मंदिर, ये आप देख सकते हो इस देवी पिंडी के मंदिर के दर्शन करने हम सुबह से आए थे, फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने कर लिए हैं माता के दर्शन, तो अब जा रहे हैं हम घर के लिए वापस। तो ये देखिए किस तरह से पोज देते हुए, ये थके नहीं। तो दोस्तों ये इधर से जाने लगे अब झरने की ओर, इनका प्लान है कि यहाँ पर ये नहाए, लेकिन मैं तो नहीं नहाने वाला क्योंकि 5:30 का टाइम हो रहा है, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है और ये जा रहे हैं नहाने के। ये देखिए आप हमारा चाय का टाइम हो चुका है, किसी ने मैगी ऑर्डर की, किसी ने छोले पूरी, किसी ने कलाड़ी कुलचे, किसी ने चाय। ये देखिए चलिए खाना पीना हो गया, तो आप निकल रहे हैं हम घर के लिए। और गाइस चेक करो, चलो चलो वो सामान लेना, बैग अपना अपना सारा उठा लेना। ले भैया चेक करो, ये डाल दिया पनीर, ये डाल दिया राजमा। फुटबॉल भी शुरू हो गया इन लोगों का, वो देखना खुद नहीं चले जाना। तो ये पार्क हुई हमारी गाड़ी, बस निकलने वाले हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, मैं
छोड़ दिया।